यहां पे शैतान क्या करता है, यीशु मसीह के सामने दुनिया की पूरे वैभव को दिखाता है, दुनिया का सारा अच्छा चीज, यू नो, उसकी वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब उसकी बढ़िया, यू नो, सुंदर चीज, दुनिया का सारा चीज दिखा के वो बोलता है कि अगर तू झुक के मेरा आराधना करोगे, मुझे वर्शिप करोगे, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे दिया गया है और मैं किसी को भी दे सकता हूं, जिसको भी मैं चाहता हूं उसको मैं ये चीज दे सकता हूं। यीशु मसीह जिस जगह पे खड़े थे उस जगह से अगर यीशु मसीह देखते हैं, उपवास जब करते थे, अगर आज भी इज़राइल में जाओगे, यीशु मसीह ने जहां पे उपवास किया था उस जगह से आप खड़े रहोगे, आपको कोई भी शहर नहीं दिखेगा, पूरा सुनसान जगह है, पूरा सुनसान जगह, कुछ नहीं दिखेगा। मगर उस जगह पे यीशु मसीह को खड़ा करके शैतान क्या कर रहा है, एक पिक्चर दिखा रहा है, वो भी बड़ा नहीं, थोड़ा सा ऐसे एक पिक्चर दिखा के बोलता है, देखो कितना सुंदर है, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा जब तू मुझे आराधना करोगे। क्यों? इसका अधिकार मुझे दिया गया है और मैं जिसको भी चाहे मैं उसको मैं दे सकता हूं। यहां पे मेरा टॉपिक है ना, मेरा ये मैसेज का टॉपिक है, ये पृथ्वी का राज करने का अधिकार है ना, ये सब कुछ पृथ्वी में हो रहा है। शैतान ने जो वैभव दिखाया था, जो चीज दिखाया था, वो पृथ्वी का दिखाया था, पूरे संसार का नहीं, मगर किसका दिखाया था, पृथ्वी का। और यीशु मसीह को बोला इस पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे दूंगा। अभी पृथ्वी को, पृथ्वी का राज करने का अधिकार वो बोल रहा है मैं है, मेरे पास है। आज सवाल ये उठता है कि उसके पास अधिकार कैसे गया, किसने दिया उसको अधिकार? परमेश्वर ने तो अधिकार नहीं दिया, परमेश्वर ने तो क्या किया, उसकी अधिकार को छीन के, स्वर्ग में जो भी उसका स्थान था वो स्थान को छीन के उसको नीचे गिरा दिया। उसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो आके दम बोल के नीचे गिरा, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अभी उसकी आत्मा अधिकार कैसे गया, किसने दिया? यहां पे हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, इस पृथ्वी में राज करने का अधिकार परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति को दिया था, वो है इंसान। जब परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया उसने बोला तू सबके ऊपर राज कर और तू आशीर्वादित रह। उसने बोला सबके ऊपर तू राज कर, राज करने का अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया था, शैतान को नहीं दिया था। मगर अब शैतान यहां पे बोल रहा है मेरे पास वो अधिकार है, मैं किसी को भी वो अधिकार में दे सकता हूं। वो अधिकार उसके पास कैसे गया? और यहां पे एक चीज गौर करने के जैसा, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, मैं पढ़ता हूं, इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि एंड ऑल दिस अथॉरिटी बिकॉज इट हैज बीन गिवन ओवर टू मी। वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे नहीं बोल रहा है मुझे दिया गया है, ओवर मतलब ऐसे नहीं बोल रहा है इट हैज बीन गिवन मतलब दे दिया है ना, ऐसे नहीं, मगर ओवर मतलब, ओवर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार जाना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी, आपको पता है पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई संपत्ति का मालिक हूं और उस संपत्ति का देखभाल मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, किसी और को लिखित में मैं क्या करूंगा, अधिकार लिख के देता हूं और मैं ये बोलूंगा वो मेरे बदले सब कुछ कर पाएगा, वो बेच पाएगा, संभाल पाएगा, जो करना है वो करेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पूरे इच्छा से क्या कर रहा हूं,
पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दिया है। तो आज शैतान के पास इंसान के पास से अधिकार गया है। वो कैसे गया? वो कैसे गया? क्योंकि राज करना, सबके ऊपर अधिकार, सब कुछ इंसान के पास था। और अब जब सब परमेश्वर ने इंसान को जब दिया, वो इंसान शैतान को कैसे दे सकता है? वो अधिकार शैतान के पास कैसे जा सकता है? क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है, एफिसी हम पढ़े प्लीज, एफिसी एफिसी 1:21-23 ओके, उसमें ये चीज बोला गया, वो पढ़ने की जरूरत है, मैं बोल देता हूं। वहां पे साफ एक चीज बोलता है कि सारा अधिकार, सारा राज्य, सब कुछ, जितने भी अधिकार है सब कुछ है, तो ईशु मसीह के पैर के नीचे डाल के उसको कलीसिया की सिर बनाया, कलीसिया के लिए ईशु मसीह का उसका सिर बनाया, ताकि वो कलीसिया की सिर, मैंने वो सारा अधिकार जो ईशु मसीह के पास है वो कलीसिया के पास रहे। हमें ये जानना बहुत जरूरी है, कलीसिया का मतलब होता है, इसके पहले मैं बोलना चाहता हूं, इसके पहले आई वॉन्ट टू, मैं ये बोल रहा था कि शैतान, अधिकार शैतान के पास कैसे गया। जब एक इंसान, बाइबल का वचन बोलता है, जब एक इंसान पाप करता है, जब इंसान परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, वो पाप की गुलाम हो जाता है। उसका मतलब शैतान की राज्य में वो क्या होता है? गुलाम हो जाता है। जब एक इंसान गुलाम हो जाता है, उसका कोई अधिकार नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर मैं किसी का गुलाम बन जाता हूं, मेरा खुद का सपना मैं पूरा नहीं कर सकता हूं, मेरे खुद की इच्छा मैं पूरा नहीं कर सकता हूं, मुझे जो भी करना है वो मालिक का इच्छा ही मुझे पूरा करना है, वो मालिक का सपना ही पूरा करना है, मेरा खुद का जिंदगी कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मुझे ये इच्छा है वो मैं नहीं कर सकता, क्यों? मैं किसी की गुलाम हूं। तो जब इंसान पाप की गुलाम में जब गया, उसने क्या किया? उसकी अधिकार को शैतान को बेच दिया। अब पूरा अधिकार किसके पास है? शैतान के पास है। और बाइबल बोलता है यीशु मसीह ने उस शैतान को अपने क्रूस के द्वारा हरा दिया, उसको हरा दिया। हरा के परमेश्वर ने सारा अधिकार, सारा सत्ता, सब कुछ यीशु मसीह को दिया, वही वचन बोल रहा है। और यीशु मसीह को सारा अधिकार सब कुछ देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? कलीसिया के लिए उनको सिर बनाया, ताकि उनके द्वारा कलीसिया को वो अधिकार वापस मिल सके। कलीसिया मतलब कौन? मैं और आप। यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो पूरा अधिकार जो शैतान को दे दिया था इंसान ने, उसने वापस, परमेश्वर ने यीशु मसीह को यीशु मसीह के पैर के नीचे रखा और कलीसिया के लिए उसको सिर बनाया। क्यों? ताकि कलीसिया फिर से लोग, मैं और आप, जो वो अधिकार को खो दिया था, उस अधिकार को यीशु मसीह में फिर से पा सके, फिर से पा सके, और वो अधिकार में हम क्या कर सके? वापस चल सके, है ना? और बाइबल का वचन बोलता है कलीसिया का मतलब होता है बुलाया हुआ, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट, बाहर बुलाया, मतलब दुनिया से बाहर निकला हुआ। कलीसिया का अर्थ होता है, क्या होता है ग्रीक में? एक्लीसिया, उसका मतलब है बाहर निकला हुआ, उसका मतलब हर एक चीज से, दुनिया की हर एक चीज से बाहर निकला हुआ, पाप से, अधर्मों से, जो भी आप गिनो, सभी चीज से बाहर निकला हुआ। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीने के लिए, और परमेश्वर की इच्छा में जीने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। कई बार हम बोलते हैं
मैंने तो उद्धार पा लिया है। हम बोलते हैं ना उद्धार मैंने पा लिया है। कब पाए उद्धार? बहुत साल पहले पा लिया। मेरा सवाल ये होता है, अगर आप ये होता है, आप किस किससे उद्धार पाए हो? झूठ से उद्धार पाए हो? क्या किससे उद्धार पाए हो? पाप से उद्धार पाए हो? माफी नहीं देना उससे उद्धार पाए हो? लालची से उद्धार पाए हो? जलन, ईर्ष्या, इस चीजों से उद्धार पाए हो? हम ये सभी मायने रखता है। कई बार हम सोचते हैं नहीं नहीं ये चलता है ना, वो नहीं चलता है। वो सारा चीज हमारी दौड़ को कमजोर कर रहा है। अगर हमने परमेश्वर ने बुलाया है बाहर, हमें सभी चीजों से बाहर बुलाया है, दुनिया की हर एक चीजों से बाहर बुलाया है। और जब बाइबल जब बोलता है कि बाहर बुलाया है, उसका मतलब पाप से, अधर्म से, दुष्टता से, अविश्वास से, सभी चीजों से परमेश्वर ने हमें बाहर बुलाया। पाप का अर्थ क्या है हमें ये जानना बहुत जरूरी। कई बार पाप 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 बोलते हैं हम लोग। पाप मतलब क्या है? पाप का मतलब ये होता है फॉलिंग शॉर्ट, मतलब चूकना, निशानों को चूकना, निशाना को चूकना पाप होता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ये चीज नहीं करने का। परमेश्वर बोलता है तुझे ऐसे रहने का, ऐसे चलने का, मगर उसके हिसाब से जब हम उसके हिसाब से जीने से अगर हम चूक जाते हैं तो हमने पाप किया है ना। बाइबल बोलता है कि झूठ नहीं बोलने का, जब हम करते हैं उससे हम चूक के तो क्या होता है? वो पाप होता है। कई बार बाइबल का वचन बोलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, परमेश्वर बहुत ही महत्व चीज बोलता है कि हमें क्या करना है? दूसरों को माफ करना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है दूसरों को माफ करना। शायद हमारे लिए ये बहुत छोटा चीज होगा, मगर परमेश्वर की लिस्ट में ये सबसे ऊपर है। माफ करना सबसे ऊपर है। अगर आप यीशु मसीह की हर एक प्रचार को अगर आप सुनोगे, सबसे ज्यादा उन्होंने माफी के बारे में बात किया। वो बोलते हैं माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। उनकी प्रार्थना, अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाया, उसमें बाइबल का वचन साफ बोलता है कि जैसे हमने अपने वैरियों को माफ किया वैसे हमारे पापों को माफ करो। और बाइबल ये भी साफ बोलता है कि अगर हम किसी को दिल से माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करता है। ये परमेश्वर की लिस्ट में सबसे ऊपर है, लोगों को माफी देना। बाइबल बोलता है तुम मेरे पास आके मेरे उपस्थिति में गिफ्ट, जो गिफ्ट है उसको देने के बदले, उसको देने के पहले अगर तुझे तेरे ध्यान में अगर एक चीज आता है तूने किसी को माफ नहीं दिया है, तू जा पहले उसको माफ कर, पहले उसके साथ यू नो समाधान कर, उसके बाद आके मुझे क्या दे, गिफ्ट को पेश कर। मगर आज हमारी क्रिस्ती जीवन में ये चीज सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट। माफी देना तो सबसे लास्ट में, बाकी सब कुछ हम करते हैं मगर माफी देना लास्ट होता है। मगर परमेश्वर बोलता है पहला वो करो, मेरे पास आने के पहले पहला वो करो, क्योंकि वो मुझे तेरे पापों को माफ करने के लिए रुकावट है। हमें जानना बहुत जरूरी है। एक सिंपल थियरी आपको मैं बताता हूं, समझो। परमेश्वर ने हमें बोला था माफ करने के लिए, और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं और बोलता हूं परमेश्वर मैं माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। माफ करने के बाद मैं बाहर आता हूं, फिर से वही काम करता हूं। क्या करता हूं? फिर से वही काम।
उस व्यक्ति के बारे में बात करना, उस व्यक्ति को माफ नहीं करना, उसके विरुद्ध यू नो गुस्सा रखना, उसके विरुद्ध यू नो बातें करना, ये सब कुछ मैं जब करता हूं उसका मतलब ये होता है मैंने माफी नहीं दिया है। मैंने परमेश्वर के पास गया, माफी मांगा, मैंने बोला परमेश्वर मैं माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, मगर वापस आके मैं फिर से वही करता हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं फिर से पाप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं फिर से पाप कर रहा हूं। तो मैंने जो प्रार्थना करके आया उस प्रार्थना का जवाब मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि पाप तो बार बार मेरे जीवन में आते रहा है। मैं गया, मैंने बोला हां परमेश्वर करता हूं, वापस आके वही कर रहा हूं, वापस आके वही कर रहा हूं। जब मैं कोई चीज अगर मैं करता हूं तो मैं उसका गुलाम बन रहा हूं। इसके लिए तो बाइबल का वचन बोलता है, लेट्स ओपन लूक, लूक की अध्याय हम खोले, यीशु मसीह की एक लूक, ग्यारहवीं अध्याय, पैंतीस और छत्तीस है ना, लूक ग्यारह पैंतीस और छत्तीस हम देखते हैं। यहां पे ऐसे बोलता है यीशु मसीह, ऐसे बोलते हैं, ध्यान रखना ताकि तेरे में जो उजाला है वो अंधेरा नहीं है। यहां पे परमेश्वर ऐसे बोलता है, ध्यान रखो कि तेरे में जो उजाला है वो अंधेरा नहीं है, मेरे नजरों में जो उजाला है वो शायद अंधेरा नहीं हो। 26 में, 36 में बोलता है, अगर तेरे शरीर में उजाला है, तेरे पूरे शरीर में उजाला है और कोई भी भाग में अंधेरा नहीं है तो पूरा शरीर में उजाला है, ऐसा बोलता है। उसका मतलब परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर की बोलने का ये कि ऐसे जरूरी नहीं है कि पूरा शरीर अंधेरा में हो, बल्कि थोड़ा भाग अंधेरा में हो सकता है, थोड़ा भाग, शायद वो आपका सोच, शायद आपका हृदय, शायद आपका मुंह है ना, जीभ, कुछ भी। वो बोलते हैं ध्यान रखो, अगर कोई भी चीज, कोई भी अंग या भाग अंधेरा में नहीं हो, क्योंकि अगर कोई भी भाग अंधेरा में होगा पूरा शरीर अंधेरा में है। उसका मतलब अगर मैं सोचता हूं अरे यार सिर्फ माफी तो नहीं दिया है, मेरे लिए वो छोटा है, मगर आपका पूरा शरीर आप अंधेरे में हो, मतलब आप पूरी तरह से पाप में हो। इसके लिए तो रोमी की पुस्तक छठे अध्याय अगर हम 10 से 13 तक पढ़ते हैं, पॉल ऐसा बोलता है कि यीशु मसीह में आप पाप से मरे हुए हो, अभी आप परमेश्वर के लिए जिंदा हो। और आगे बोलता है इस कारण आप पाप के लिए मर चुके हो और परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जिंदे हो। इसके लिए पाप आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर राज करने मत देना, क्योंकि आप पाप के लिए मर चुके हो, यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह में परमेश्वर में जिंदा हो, इसके के लिए पाप को राज करने मत देना, काम पे आपके शरीर में। और आगे बोलता है यह ध्यान रखना कि आपकी कोई भी शरीर की भागों को पाप की गुलाम होने मत देना। वो ऐसे बात नहीं कर रहे, शरीर पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे, वो ऐसे बोल रहे हैं आपकी शरीर की कोई भी भाग को क्या मत होने देना,
उसकी गुलाम मत होने देना, क्योंकि आप पूरी तरह से गुलाम हो जाओगे। जब आप गुलाम होते हो, यीशु मसीह में आने के बाद गुलाम होते हो, आप क्या करते हो? वापस आपके अधिकार को शैतान को बेच रहे हो। इसके लिए हम कितने बार भी हम प्रार्थना करें, ये करें, हमारी प्रार्थना की उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? ये कारण बाइबल बोलता है, जब यीशु मसीह बात कर रहे थे, लोग देख पाते थे वो अधिकार के साथ बात कर रहे हैं। प्रेरित जब बात कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, बाइबल में हम देखते हैं वो अधिकार के साथ बात कर रहे थे और परमेश्वर काम कर रहा था। मगर आज हम वही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आज हम कलीसिया तरीके वही बाइबल को पढ़ रहे हैं, वही परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, मगर हम उन्होंने जैसा काम किया वैसे हम कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुछ भागों को पाप की गुलामी में हमने छोड़ा है। वो शायद हमारी सोच होगा, जैसे मैंने बोला माफी नहीं दिया होगा। जब ये नहीं होगा, हम अभी भी पाप में हैं, क्योंकि हमारा कुछ भाग पाप में है, तो हम भी पाप में ही हैं। जब हम किसी की गुलामी में हैं, तो हम अधिकार के साथ चल नहीं सकते। इसके लिए तो बाइबल साफ बोलता है, पाप की गुलाम मत हो। डोंट बी स्लेव्स ऑफ सिन। इसके लिए हम कई बार बोलते हैं, मैं इतना करता हूं, ये करता हूं, कुछ देख नहीं पा रहा। क्यों? कैसे देखोगे? क्योंकि कुछ बाग अभी भी अंधेरे में है। इसके लिए परिस्थिति नहीं बदलता है, इसके लिए परिस्थिति नहीं बदल रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं बदल रहा है। हम वचन बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो करते हैं, वाई? इसकी वजह से। आप पूछ रहे होंगे, ये कैसा हो सकता है? चलिए हम गलाती की पुस्तक 4:8-9 हम पढ़े, है ना, क्या बोलता है देखें। गलाती 4:8-9 हम वचन में ये देखते हैं, मैं पढ़ता हूं। But in the past, when you did not know God, you were enslaved to things that by nature are not God's. But now, since you know God, or rather have become known by God, how can you turn back again to the weak and bankrupted element forces? Do you want to be enslaved to them all over again? परमेश्वर का वचन साफ बोल रहा है। पॉल यहाँ पे एक नौमी वचन में आखिर में बोल रहा है, जब आप सब कुछ चीज छोड़ के फिर से वापस अपनी पुरानी जीवन में, पुरानी जिंदगी में आप जाते हो, आप क्या फिर से उस चीजों का गुलाम बनना चाहते हो? ऐसे पूछ रहा है। पहले जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप ऐसे चीजों की गुलामी थे, गुलाम थे। मगर जब आप सब कुछ जानने के बावजूद अपनी पुरानी जिंदगी में, वो मूर्ति पूजा हो, पाप हो, सब कुछ हो, अगर उस चीज में अगर आप वापस जाना चाहते हो, पॉल सवाल पूछ रहा है, आप क्या फिर से उसकी गुलाम बनना चाहते हो? किसकी गुलाम? चले एफिसी की पुस्तक 2:1-2 पढ़े, वो साफ बताता है हम किसकी गुलाम बनते हैं। एफिसी 2:1-2 वैसे बोलता है, एंड यू वर डेड इन योर ट्रांसग्रेशंस एंड सिंस इन विच यू प्रीवियसली वॉक्ड अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्डली एज, अकॉर्डिंग टू द रूलर
of the atmospheric domain, the spirit now working in the disobedient. यहाँ पे ऐसे बोलता है, आप पहले अपनी पाप में, अपनी अधर्मों में आप चल रहे थे, जिसका अधिकारी कौन था? शैतान था। वो आज भी जो परमेश्वर की वचन के हिसाब से आदि नहीं है, मतलब अविश्वासी लोग जो है, जो परमेश्वर की आदि नहीं है, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, आज भी उनका राज कर रहा है। उसका मतलब ये साफ यहां पे ये बताता है कि जो भी पाप में है उनका राज जो भी करता है वो शैतान है। अगर हम में पाप है, कहीं ना कहीं शैतान को राज करने के लिए हमने मौका दिया है, भले पूरे शरीर में नहीं दिया है, मगर कुछ भागों में तो उसको राज करने के लिए दिया है, और धीरे 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 वो पूरा शरीर का कब्जा ले लेगा, वो पूरा कब्जा ले लेगा। धीरे धीरे ले लेगा, क्योंकि अगर घर खाली रहेगा वो जरूर उससे भी दुष्ट सात लोगों को लेके आके जीवन में फंस जाएगा, आपके जीवन पहले से भी बेकार हो जाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूं, बाइबल बोलता है। कई बार हम जो सोचते हैं ना छोटा है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो बड़ा है। और आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, बाइबल का वचन बोलता है चौथे अध्याय वही लूक 4:6 में वो बोलता है, मैं इस अधिकार को जिसको भी चाहे उसको मैं दे सकता हूं। आपकी अधिकार शैतान लेके गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कई बार मैं सोच रहा था कि ये जादू टोना करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले, ऐसे करने वाले, उनके साथ, उनके पास इतना सामर्थ्य कहां से आता है? ये सब कुछ करने के लिए कैसे आता है? यही यहां से अधिकार लेके पूरा वहां पे दे रहा है, और वो लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं उसमें भाग्यदारी हूं, क्योंकि मैंने मेरा अधिकार को मैंने बेच दिया है शैतान को गलत रीति से, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए मैंने मेरे अधिकार को मैंने बेच दिया है। अगर कोई नादान की जीवन बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी उसमें शामिल हूं। कैसे? क्योंकि मैंने मेरा अधिकार को मैंने बेचा है। क्यों? मेरे बाग में एक, मेरे शरीर में एक बाग को पाप के लिए मैंने गुलामी में दिया है। बाइबल का वचन साफ बोलता है, लूक पुस्तक हम पढ़ते हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है सभी चीज, लूक 7 29:30 है ना, लूक 7:29-30 वचन ऐसे बोलता है, यीशु मसीह बात कर रहे थे ना, यहां पे यीशु मसीह बात कर रहे थे, और बाइबल का वचन बोलता है, जिन्होंने भी यौवन की बपतिस्मा लिया था वो परमेश्वर की न्याय के रास्ते को समझ पाए, मगर फरीसी और ज्ञानी जो बपतिस्म नहीं लिया था वो परमेश्वर की कार्यों को, परमेश्वर की योजना को टुकरा दिया। यौवन की बपतिस्मा क्या था? इट इज अबाउट रिपेंटेंस, पछताव की बपतिस्मा था। यौवन लोगों को यह बोल के आए कि पछताव करो और बपतिस्मा लो। उनका मकसद है कि ताकि लोग पछताव करें। और इस वचन के अनुसार जब तक हम पछताव नहीं करेंगे हम परमेश्वर की न्याय में चल नहीं पाएंगे।
क्योंकि पछता भी हमें परमेश्वर की न्याय के रास्ते में चलाएगा, हमें नीतिमान की रास्ते में चलाएगा, राइचियस पाथ में चलाएगा, राइचियस वे में चलाएगा, पछताव नहीं आएगा। हम परमेश्वर की न्याय के रास्ते को ठुकराएंगे ठुकराएंगे ठुकराएंगे, चलने की इच्छा नहीं रखेंगे। क्यों? बार बार पाप कर रहे हैं। पछताव का मतलब क्या है? माफी मांगा फिर से जाके वो पाप करना, वो पछताव नहीं है। आज मैंने माफी मांग लिया, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, मैं यो ये है हे मो सब कुछ, और बार जाके फिर से वही पाप करना, उसको पछताव नहीं बोलते। पछताव का अर्थ होता है परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ करो, अब के बाद वो नहीं करूंगा, उसकी ओर से मैं मुड़ के दूसरे रास्ते में चलू, वही पछताव होता है। फिर से नहीं करूंगा, उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखना है, उसको नफरत करना है, वो है पछताव। मैं कुछ 16-17 साल पहले कम से कम दिन में 25 या 30 सिगरेट पीता था। दैट वॉज माई लाइफ। पीता था, दारू पीता था, 25-30 सिगरेट पीता था, कई बार एक बुझाने के बाद दूसरा वो उसमें जला के पीता था। ऐसी जिंदगी था। जब मैंने पछताव किया, पूरी तरह से उसको नफरत किया है। आज उसकी दुआ से मुझे सिर दुखता है, पसंद नहीं आता है। उसकी दुआ से कई लोग बोलते हैं, अरे क्या करूं पास्टर, अरे टेंशन हो गया, इसके लिए जाके पी लिया है। हमें भी टेंशन आता है, मुझे ज्यादा पीना चाहिए, खुद की है तो सही, खुद की टेंशन तो है, साथ साथ में कलीसिया की टेंशन, कलीसिया के लोगों का टेंशन, सब कुछ सिर में। तो मुझे क्या करना चाहिए, ज्यादा सिगरेट मुझे पीना चाहिए, ज्यादा दारू मुझे पीना चाहिए? ये बहाना है, दिस इज एन एक्सक्यूज। किसके लिए बहाना? आप सुधरना नहीं चाहते हो। कई लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। क्यों? यीशु मसीह में एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा आपको? आपको दूसरा एंटरटेनमेंट चाहिए? जब तक पछताव नहीं करेंगे, अपने आप को ये मत बोलना कि मैं न्यायी हूं। क्योंकि बाइबल का वचन साफ है, पछताव करना है हमें। आई हैव टू हेट सिन, मुझे पाप से नफरत करना ही है। इसके लिए छठे अध्याय में पॉल शुरू करता है, रोमी छठे अध्याय में शुरुआत ही ऐसा करता है, हम यीशु मसीह में हैं, नो जहां पे पाप बढ़ता है वहां पे कृपा बढ़ता है, वो खत्म करता है, जहां पे पाप बढ़ता है कृपा बढ़ता है। छठे अध्याय से शुरू करता है, कृपा बढ़ता है बोल के हम पाप करते रहे? वो बोलता है नहीं नहीं, क्योंकि हमने पुराने जीवन को क्या कर दिया है, यीशु मसीह में क्रूस पे लटका के मार दिया है। आज वो जिंदा नहीं है, अगर वो जिंदा नहीं है हम नए इंसान हैं। जरा सोचिए, हमारी कुछ गलतियों की वजह से सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं हो रहा है, हम दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। क्यों? हमारे अधिकार हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आज मेरा सवाल है, इस पृथ्वी के ऊपर राज कौन कर रहा है? हम बोल सकते हैं हम, मगर मेरा सवाल ये है, तो शुरुआत की मंडली
जैसे काम कर रहे थे वैसे आज हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोई शरीर की बाग को हमने गुलामी में रखा है, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, माफी नहीं देना, डिविजन, अलग अलग। परमेश्वर ने बोला यूनाइटेड, साथ में रहो, मगर हम अलग करना चाहते हैं। चलिए हम आंखें बंद करें, लेट्स क्लोज आवर आईज, हम आंखें बंद करें। वचन को गौर करें। आज हमने देखा है कि शैतान बोलता है कि अधिकार मुझे दिया गया है। वो अधिकार कौन देता है? हम देते हैं। कैसे? मैं जब पाप की गुलाम होता हूं, मेरा अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, जिसकी पूरा हक मेरे पास है, वो किसी और को मैं दे रहा हूं। किसके बदले में? वो नाशवंत पाप के लिए, वो नाशवंत इच्छा के लिए, थोड़ी देर की खुशी के लिए। जो चीज मुझे नुकसान करता है, जो चीज मेरे मकसद को पूरा करने से रुकावट करता है, जो चीज मेरे मुझे स्वर्ग जाने से रोकता है, उस चीज के लिए मेरे अधिकार को मैं त्याग करूं। आज आपको नक्की करना है। अभी भी आपकी बागों को, आपकी बागों, शरीर की बागों को उसका अंधेरे में गुलामी बन के रखना है, या आपको मसीह में एक अधिकार के साथ जीने की इच्छा रखते हो? ये आपकी हाथ में अथॉरिटी टू रूल द अर्थ, पृथ्वी को राज करने के लिए अधिकार। जब आप यीशु मसीह में रहोगे, आप अधिकार के साथ चलोगे, क्योंकि पूरा अधिकार सब कुछ यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। उसके लिए आपकी, आपको पाप के लिए मरना बहुत जरूरी है और मसीह में जिंदा होना बहुत जरूरी है। आपको अधिकार में चलने के लिए मसीह में जिंदा रहना बहुत जरूरी है और पाप के लिए मरना बहुत जरूरी है। आज आपको नक्की करना है, आपको पाप की गुलामी में रहना है या मसीह में अधिकार के साथ आपको चलना है, जीवन जिंदगी आपको जीना है। इट इज फॉर यू टू डिसाइड। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं पिता। पिता, कहीं ना कहीं हमारी जाने अनजाने में हमारे कुछ बागों को हमने अंधेरे को सौंपा है, पाप की गुलामी में हमने सौंपा है। हमें माफ कीजिए पिता, उसके लिए माफी मांगे पिता, उसके लिए हमें माफ कीजिए। आपकी अधिकार को पहचानने के लिए मैं चूक गया, आपकी अधिकार में चलने का चीज को मैंने चूक किया। आज आप पवित्र आत्मा आप हमें मदद कीजिए, पछताव करने के लिए मदद कीजिए। गिव अस द हार्ट ऑफ रिपेंटेंस टुडे डैडे, पछताव करने का हृदय हमें दीजिए पिता। आज हम इस समय आपकी चरणों में पछताव करें हमारे हर एक पापों के लिए। अगर हमने किसी को माफ नहीं दिया, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम में ईर्ष्या है, हम में जलन है, अगर हम में कोई बागों को पाप की गुलामी में हमने दिया है पिता, हम उसके लिए आज पछताव करते हैं। हमें मदद कीजिए पवित्र आत्मा, पछताव करते हैं, पूरे हृदय से पछताव करने के लिए हमें मदद कीजिए, पूरे हृदय से, ताकि हम पाप के लिए मर के परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में हम जिंदा रहे, यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए हम जिंदा रहे। हमें मदद कीजिए,
आपकी लोगों को मदद कीजिए पिता, पछताव करने के लिए मदद कीजिए। वैसे सारे चीज जो आसानी से उनको चिपक जाता है और उनकी दौड़ को जो चीज, हर एक पाप, हर एक चीज जो आसानी से चिपक के उनकी दौड़ को कमजोर करता है, ऐसे चीजों को टुकरा के उनकी आंखों को यीशु मसीह आपके ऊपर रख के दौड़ने के लिए उनको मदद कीजिए पवित्र आत्मा, मदद कीजिए, मदद कीजिए, आपकी नाम की महिमा के लिए मदद कीजिए। आज हम स्वीकार करते हैं पिता, कहीं ना कहीं हमने पाप किया है, कहीं ना कहीं हमने पाप किया है, आज उसको हम कबूल करते हैं और आपसे माफी मांगते हैं। सिर्फ कबूल करना, माफी मांगना नहीं, सच्ची पछताव करने के लिए हमें मदद कीजिए। सच्ची पछताव सिर्फ इंसान के सामने नहीं, क्योंकि आपकी नजरों के सामने हम बच नहीं सकते पिता, आपकी नजरों में सच्ची पछताव करने के लिए हमें मदद कीजिए। मैं ये सलाह देना चाहता हूं, अगर आपको कुछ चीजों से तकलीफ हो रहा है, वैसे हर एक दोस्त, हर एक लोगों से आप दूर हो जाओ जिसकी वजह से आपको उस पापों को करने के लिए आपको मजबूर उनको हो रहा है, वैसे रिश्ते को, ऐसे दोस्तों को छोड़ दो पिता, वो चीज, वो निर्णय लेने के लिए उनको मदद कीजिए। जिस दोस्त या जिस चीज के वजह से पाप उनके जीवन में आने के लिए रास्ता बना रहा है, ऐसे कार्यों को तोड़ने के लिए, काट के वैसे रिश्तों को फेंकने के लिए उनको मदद कीजिए। सिर्फ आपके लिए जीने के लिए उनको मदद कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। थैंक यू। Right. अभी क्रिस्टोफर भाई को मैं हैंड ओवर करता हूँ, अब सर आगे बढ़ाइए प्लीज। आखिरी दुआ में जाए, आपके लिए, आपकी कोई भी जरूरत है, कोई भी आपकी तकलीफ है प्यारो, मैं क्रिस्टोफर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आखिरी दुआ, जिनकी भी कुछ जरूरत हो, कोई भी तकलीफ उनके लिए कराकर आखिरी आशीष वचन वो मांगेंगे। ऑलराइट, चलिए हम प्रार्थना करें। हमारी जरूरतों के लिए, हमारी समस्या के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे हर एक चीज के लिए हमारी नजरों को यीशु मसीह की ओर लेके जाएं, क्योंकि हमारा सारा चीजों का सोरता हुआ अकेला ही है। पिता यीशु मसीह के नाम से फिर से आपकी चरणों में आते हैं और यीशु मसीह हम अंगीकार करते हैं कि आपके द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है, वो चंगाई हो, आशीष हो, शांति हो, आनंद हो, हर एक चीज पिता यीशु मसीह आपके द्वारा ही हमें मिलता है। और आज हम विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं और हम ये विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन में हर एक चीजों की, हर एक कार्यों की भरपाई आप करोगे। इस समय जो भी सुन रहे हैं, जो भी बैठे हैं एक अपेक्षा के साथ, परमेश्वर मेरी ये चिंता है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये परेशानी है, मुझे ये दर्द, मेरी वेदना, ये बीमारी, पिता ऐसे सारे लोगों को आपकी चरणों में लेके आता हूं, आपकी चरणों में लेके आके यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है आपकी हाथ को फैला के, लंबा करके उनको छूइए, हर एक व्यक्ति को छूइए, उनकी हर एक कमियों को, उनकी हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक बेचैनी, हर एक डिप्रेशन, पिता हर एक कार्यों को यीशु मसीह नज़रेन के नाम से इसी वक्त उन सारे चीजों से छुटकारा होने के लिए मैं आज्ञा देता हूं
और उनकी शरीरों में चंगाई इसी वक्त प्राप्त करने के लिए मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता उनको छुइए, चंगाई दीजिए, अरे कमियों को दूर करके आपकी भरपूरी उनके जीवन में, खास करके जो डिप्रेशन में, चिंता में, बेचैनी में जो है उनके जीवन में आपकी शांति। पिता हर एक सोच, हर एक इमोशन को आपसे आपकी कब्जे में ले लीजिए, और हर एक डिप्रेशन, हर एक बेचैनी जो शैतान उनको कमजोर कर रहा है, इससे उनको छुटकारा दीजिए और उनको आजाद कीजिए। इसी वक्त आपकी शांति, आपकी नाम की महिमा के लिए पिता उनको आशीष दीजिए। खास करके जिन लोगों की बर्थडेज हो, जिन लोगों की एनिवर्सरीज हो, वेडिंग एनिवर्सरी जो आने वाला है, गया और है, उन लोगों को आपकी चरणों में लेके आता हूं इस साल। पिता उन लोगों को आप आशीष दीजिए उनके जीवन में। पिता आपकी हाथ रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता जो साल उनके जीवन में आपने दिया है उसको आशीषित दीजिए। पिता आपके नाम की महिमा के लिए उनको कार्य कीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए। पिता और नजदीक आपके साथ चलने के लिए, आपकी भलाइयों को अनुभव करने के लिए उनको कृपा दीजिए। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए हम आशीष वचन में जाए, उसके पहले परमेश्वर ने जो प्रार्थना सिखाए वो हम साथ में बोले। वो आकाश Mine is a glory, honor, kingdom. Amen. 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 May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet coming in of the Holy Spirit, Pavitratma ki sangati, har ek vyakti ke saath, khas karke, pastav, sahi pastav lane ke liye, har ek vyakti ko madad kare. Amen. Amen. परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।